हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये था कि बहुत सारे मेरे लाइव स्ट्रीमिंग पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करके पूछा, और उनके डाउट्स थे कि सर, वेब्स में जब अप्लाई करते हैं तो कौन सी वेब्स कहाँ तक जाएगी, कौन सी वेब्स पर क्या रिट्रेसमेंट लगाते हैं, किस वेब पर हम एक्सटेंशन लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि ये वेब्स कितना तक जा सकती है। तो उसी को बताने के लिए, उसी को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी 9 PM। इसमें क्या होगा कि आपको आप अपने क्वेश्चंस आंसर्स मेरे से कर सकते हैं, वेब्स सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऊपर से एवरी संडे आपको एक सेशन मिलेगा, उस सेशन में फ्री होता है जहां पर हम साइकोलॉजी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का डिस्कशन करते हैं। तो गाइस चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस वेब में क्या लगाना है, रिट्रेसमेंट लगाना है, एक्सटेंशन लगाना है, और कौन सी कहां तक चल सकती है। स्क्रीन पर हम आ गए। इसको मैं ब्लैंक चार्ट लेता हूं। इस ब्लैंक चार्ट पर मैं नॉर्मली वन टू थ्री अब ड्रॉ करके बताता हूं आपको। मैं 1 2 3 और 4 और देन 5, ऐसे ही होता है, इंपल्स मूव यही होती है। और ये अप ट्रेंड क्या है, मतलब ये बुलिश इंपल्स है, और बियरिश इंपल्स भी ऐसे ही होती है। तो किस वेव में रिट्रेसमेंट लगेगा और किस वेव में आपका एक्सटेंशन लगेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, जैसे कोई चीज, जैसे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो जब प्राइस यहां से इस साइड मूव करती है तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस फॉल का ये अप ट्रेंड होता है। तो प्रीवियस फॉल पर आप रिट्रेस यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालेंगे अपने प्रीवियस फॉल जो है। ध्यान दीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपका प्रीवियस फॉल था और ये आपका स्टार्टिंग ऑफ द वेव है, यहां से स्टार्ट हो गए। तो आप यहां से यहां तक करेंगे और यहां पर रिट्रेसमेंट डाला जाता है। ये चीज आपको लिख देता हूं, रिट्रेसमेंट हो तो यहां पर आपको रिट्रेसमेंट डालना है। ठीक है, ये आपका रिट्रेसमेंट डालना होता है। और वेव फर्स्ट जो होती है आपकी, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, मिनिमम 30.2% और मैक्सिमम 61.8%, 100%, 78.6%, इस तरह से। या हो सकता है कि अगर स्पीड ज्यादा हो तो अपना प्रीवियस हाई भी काट सकती है। तो यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट डालना है इंपल्स के लिए, वेव फर्स्ट के लिए रिट्रेसमेंट, राइट। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब वेव सेकेंड के लिए क्या डालना होता है, तो वेव सेकेंड के लिए भी रिट्रेसमेंट, वेव सेकेंड के लिए भी रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और वेव सेकेंड के लिए भी मैं आपके यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाल देता हूँ। तो इसके लिए भी रिट्रेसमेंट, ठीक है। वेव फर्स्ट अपने प्रीवियस के लिए रिट्रेसमेंट, वेव सेकेंड के लिए भी रिट्रेसमेंट। अब बारी आती है थर्ड वेव की, तो थर्ड वेव के लिए कभी भी रिट्रेसमेंट यूज नहीं किया जाता, कीप इन माइंड। थर्ड वेव के लिए कभी भी रिट्रेसमेंट यूज नहीं किया जाता। अगर आप रिट्रेसमेंट यूज करते हैं तो आपको बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं यहां से आपको एक्सटेंशन डाल के दिखा रहा हूं। यहां पर आपको एक्सटेंशन डालना होता है, यहां पर एक्सटेंशन पॉइंट डालने होते हैं, क्योंकि वेब थर्ड है और मिनिमम ये वेब थर्ड आपकी 161.8% होती है, ध्यान में रखिएगा मिनिमम। ये ट्रेंडिंग इंपल्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये फेलियर होगा तो मिनिमम आपका 61.8% भी हो सकती है। ये आपको डायगोनल वाले कॉन्सेप्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट, ये वाला जो चीज है, ये आपका मिनिमम 161.8% होती है। और यहाँ पर एक्सटेंशन डाला जाता है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं डाला जाता, ठीक है। और ये आपका मिनिमम कॉन्सेप्ट है। अब बारी आती है वेव फोर्थ की, तो वेव फोर्थ में हम क्या डालेंगे, रिट्रेसमेंट। यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डाला जाता है। वेब फोर्थ हमें रिट्रेसमेंट जब डालेंगे तो यहां से डालेंगे, पूरे बॉटम से। ध्यान रखिएगा, ये पूरे बॉटम से, आप वेब सेकंड से नहीं डालेंगे रिट्रेसमेंट।
ध्यान रखिए, यहां से आपको रिट्रेसमेंट नहीं डालना होता है, आप जीरो से जहां से प्राइस चली है वहां से डालेंगे आप रिट्रेसमेंट, और ये चीज आपको यहां से तक डालेंगे तो वेब फोर्थ को रिट्रेसमेंट से ही मेजर किया जाता है। मैं इसको कॉपी कर देता हूं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, तो आपका यहां वेब फोर्थ में यहां पर ये भी प्राइस क्या हो गई आपकी रिट्रेसमेंट हो गई। अब बारी आती है वेब फिफ्थ के लिए, तो जैसा अप साइड में चल रहा है ना, जैसा ये अप साइड में चल रहा है एग्जैक्टली आपके डाउन साइड में भी वही चीज चलेगा। तो वेब फिफ्थ के लिए आपको रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन दोनों यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप थर्ड से फोर्थ तक का रिट्रेसमेंट डालते हैं तो प्राइस आपका मिनिमम जो है 133% होती है, ये रिट्रेसमेंट है। कॉपी करके कंट्रोल भी करते हैं तो इस पर आपका रिट्रेसमेंट मिनिमम रहेगा, ये एक्सटेंशन, ये रिट्रेसमेंट है। अगर हम जब इस पर एक्सटेंशन डालेंगे, एक्सटेंशन भी डाला जा सकता है वेब फिफ्थ पर, ठीक है, रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन दोनों, तो मैंने इसको हटा दिया। अब हम करेंगे क्या, एक्सटेंशन, तो हम एक्सटेंशन सिलेक्ट किए और यहां से डालेंगे थर्ड पर फिर फोर्थ पर, तो वेब थर्ड जो वेब फिफ्थ, जो वेब फिफ्थ होती है मिनिमम आपका 30.2%, मिनिमम 30.2%, और जाने कुछ भी जा सकती है, वैसे ही 100% माना जाता है पैरामीटर, 100% का पैरामीटर रखा गया है, माना गया, क्यों 100% रखा जाता है, क्योंकि वेब फर्स्ट जो होती है, वेब फिफ्थ जो होती है वो वेब फर्स्ट के इक्विवेलेंट होती है, मतलब बराबर होती है, ठीक है, इक्वल। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि वेब फर्स्ट में रिट्रेसमेंट, वेब सेकंड में रिट्रेसमेंट, वेब थर्ड में एक्सटेंशन, वेब फोर्थ में आपको रिट्रेसमेंट, और वेब फिफ्थ में रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन दोनों, ठीक है। तो आगे से इस चीज को जब भी अप्लाई कीजिएगा ध्यान में रखे कीजिएगा, दोनों में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट आपको डाउन साइड में भी है, यही कॉन्सेप्ट जो है आपके डाउन साइड में भी होगा। जस्ट वन मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं। तो डाउन साइड में भी आपको सेम चीज, आप इस पर अपने प्रीवियस अप ट्रेंड का जो फॉल होगा तो उसके भी आप रिट्रेसमेंट डालेंगे, ऐसे ये रिट्रेसमेंट हो गया। वेब सेकंड के लिए आप फिर से आप रिट्रेसमेंट डालेंगे, ऐसे रिट्रेसमेंट हो गया। और थर्ड के लिए आपको एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन डालना है आपको, ऐसे जो मिनिमम आपको, मिनिमम आपका 161% यहां पर एक्सटेंशन। वेब फोर्थ के लिए आपको अगेन रिट्रेसमेंट यहां से डालना होगा, टॉप से यहां तक के लिए, तो आपका रिट्रेसमेंट ये। और सेम चीज आपके वेब फिफ्थ के लिए, सेम चीज आपके वेब फिफ्थ के लिए, जैसा मैंने अप ट्रेंड के लिए बताया था, आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप यहां से एक्सटेंशन भी डाल सकते हैं, इस तरह से आप एक्सटेंशन भी इसको डाल सकते हैं। तो यहां पर मिनिमम 130.2% और मैक्सिमम आपका 100% भी जा सकता है, क्योंकि वेब फर्स्ट और वेब फिफ्थ क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है गाइस। तो ये मेरा लर्निंग वीडियो था आपके लिए, और मुझे पूरा उम्मीद, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कैसा आपको ये नॉलेज लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की क्या वीडियो लेकर आऊँ वो भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लव यू एवरीवन।